परमेश्वर के दैनिक वचन। मनुष्य का प्रबंधन करना मेरा कार्य है और मेरे द्वारा उसे जीत लिया जाना और भी अधिक कुछ चीज है जो तब नियत की गई थी जब मैंने संसार की रचना की थी। हो सकता है कि लोग नहीं जानते हो कि अंत के दिनों में मैं उन्हें पूरी तरह से जीत लूंगा और हो सकता है कि वे इस बारे में भी अनजान हो कि मानव जाति में से विद्रोही लोगों को जीत लेना ही शैतान को मेरे द्वारा हराने का प्रमाण है। परंतु जब मेरा शत्रु मेरे साथ संघर्ष में शामिल हुआ तो मैंने उसे पहले से ही बता दिया था कि मैं उन सभी को जिन्हें शैतान ने बंदी बना लिया था और अपनी संतान बना लिया था और उसके घर की निगरानी करने वाले उसके वफादार सेवकों को जीतने वाला बनूंगा। जीतने का मूल अर्थ है परास्त करना, अपमान के अधीन करना है। इसराइलियों की भाषा में इसका अर्थ पूरी तरह से परास्त करना, नष्ट करना और मेरे विरुद्ध आगे विद्रोह करने में अक्षम कर देना है। परंतु आज जैसे कि तुम लोगों के बीच उपयोग किया जाता है, इसका अर्थ है जीतना। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि मेरा अभिप्राय मानव जाति से शैतान को पूरी तरह से समाप्त और निकाल बाहर करना है ताकि वो मेरे विरुद्ध अब और विद्रोह ना कर सके, मेरे कार्य में अवरोध उत्पन्न करने या उसे अस्त व्यस्त करने के लिए तो दम भी ना ले सके। इस प्रकार जहां तक मनुष्य का सवाल है, इसका अर्थ जीतना हो गया है। शब्द के चाहे कुछ भी अर्थ हो, मेरा कार्य मानव जाति को हराना है। क्योंकि जबकि यह सत्य है कि मानव जाति मेरे प्रबंधन में एक अनुबंध है, परंतु सटीक रूप से कहें तो मानव जाति मेरी शत्रु के अलावा अन्य कुछ नहीं है। मानव जाति वो बुराई है जो मेरा विरोध और मेरी अवज्ञा करती है। मानव जाति मेरे द्वारा श्रापित दुष्ट की संतान के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। मानव जाति उस प्रधान दूत के वंशज के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया था। मानव जाति उस शैतान की विरासत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है जो बहुत पहले ही मेरे द्वारा ठुकराया गया, हमेशा से मेरा कट्टर विरोधी शत्रु रहा है। समस्त मानव जाति के ऊपर का आसमान स्पष्टता की अधिक जगमगाहट के बिना झुका हुआ, उदास और अंधकारमय है और मानव दुनिया स्याह अंधेरे में डूबी हुई है, जिससे कि उसमें रहने वाला कोई भी व्यक्ति जब अपना सिर उठाता है तो यहां तक कि अपने चेहरे के सामने फैले हाथ को या सूरज को भी नहीं देख सकता है। उसके पैरों के नीचे की कीचड़दार और गड्ढों से भरी सड़क घुमावदार और टेढ़ी मेढ़ी है। पूरी जमीन पर लाशें बिखरी हुई हैं, अंधेरे कोने मृतकों के अवशेषों से भरे पड़े हैं और ठंडे और छाया वाले कोनों में दुष्ट आत्माओं की भीड़ ने अपने निवास बना लिया है। मनुष्यों के संसार में हर कहीं में दुष्ट आत्माएं जत्थों में आती जाती रहती हैं। सभी तरह के जंगली जानवरों की गंदगी से ढकी हुई संतानें भीषण संघर्ष में उलझी हुई हैं, जिनकी आवाज दिल में दहशत पैदा करती है। ऐसे समयों में इस तरह के संसार में एक ऐसे सांसारिक स्वर्ग में कोई कहां जीवन के आनंद की खोज करने जाता है? अपने जीवन की मंजिल की खोज करने के लिए कोई कहां जाएगा? मानव जाति जो बहुत पहले से शैतान के पैर के नीचे रौंद दी गई है, शुरू से ही शैतान की छवि की अभिनेता उससे भी अधिक शैतान का मूर्त रूप रही है जो उस साक्ष के काम आ रही है जो जोर से और स्पष्ट रूप से शैतान की गवाही देती है। ऐसी मानव जाति, ऐसे अधम मैल का ढेर
या इस भ्रष्ट मानव परिवार की ऐसी संतान कैसे परमेश्वर की गवाही दे सकती है? मेरी महिमा कहां से आती है? कोई मेरी गवाही के बारे में बोलना कहां से शुरू कर सकता है? क्योंकि उस शत्रु ने, जो मानव जाति को भ्रष्ट करके मेरे विरोध में खड़ा है, पहले ही मानव जाति को दबोच लिया है। उस मानव जाति को जिसे मैंने बहुत समय पहले बनाया था और जो मेरी महिमा और मेरे जीवन से भरी थी और उन्हें दूषित कर दिया है, इसने मेरी महिमा को छीन लिया है और इसने मनुष्य को जिस चीज से भर दिया है वो शैतान की कुरूपता की मिलावट वाला जहर और अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल का रस है। आरंभ में मैंने मानव जाति का सृजन किया, अर्थात मैंने मानव जाति के पूर्वज आदम का सृजन किया। वो उत्साह से भरपूर, जीवन क्षमता से भरपूर, रूप और छवि से संपन्न था और उससे बढ़कर वो मेरी महिमा के सहचर्य में था। ये महिमामय दिन था जब मैंने मनुष्य का सृजन किया। उसके बाद आदम के शरीर से हव्वा को बनाया गया था, वो भी मनुष्य की पूर्वज थी। और इस प्रकार जिन लोगों का मैंने सृजन किया था वो मेरी श्वास से भर गए थे और मेरी महिमा से भरपूर हो गए थे। आदम को मूल रूप से मेरे हाथों के द्वारा बनाया गया था और वो मेरी छवि का प्रतिनिधित्व था। इसलिए आदम का मूल अर्थ था मेरे द्वारा सृजन किया गया ऐसा प्राणी जो मेरी प्राणाधार ऊर्जा से भरा हुआ, मेरी महिमा में भरा हुआ, रूप और छवि वाला, आत्मा और श्वास वाला था। आत्मा से संपन्न वो ही एकमात्र सृजन किया गया प्राणी था जो मेरा प्रतिनिधित्व करने, मेरी छवि को धारण करने और मेरी श्वास को प्राप्त करने में सक्षम था। आरंभ में हव्वा दूसरी ऐसी मानव थी जो श्वास से संपन्न थी, जिसके सृजन का मैंने आदेश दिया था। इसलिए हव्वा का मूल अर्थ था एक सृजन किया गया प्राणी जो मेरी महिमा को जारी रखेगा, जो मेरी प्राण शक्ति से भरा हुआ है और उससे भी अधिक मेरी महिमा से भरपूर संपन्न है। हव्वा आदम से आई, इसलिए उसने भी मेरा रूप धारण किया, क्योंकि वो मेरी छवि में सृजन की जाने वाली दूसरी मानव थी। हव्वा का मूल अर्थ आत्मा, देह और हड्डी, मेरी दूसरी गवाही और साथ ही मानव जाति के बीच मेरी दूसरी छवि वाली एक जीवित प्राणी थी। वे मानव जाति के पूर्वज मनुष्य का शुद्ध और बहुमूल्य खजाना थे और शुरू से ऐसे प्राणी थे जो आत्मा से संपन्न थे। हालांकि दुष्ट लोगों ने मानव जाति के वंशज की संतान को दबोच लिया और उन्हें कुचल दिया और उन्हें बंदी बना लिया और मानव संसार को पूर्णतः अंधकार में डुबा दिया और इसे ऐसा बना दिया कि संतान मेरे अस्तित्व में अब और विश्वास नहीं करती है। और अधिक घिनौना यह है कि जैसे ही दुष्ट लोगों को भ्रष्ट करता, उन्हें कुचलता है, तो ये मेरी महिमा, मेरी गवाही, प्राण शक्ति जो मैंने उन्हें प्रदान की थी, वो श्वास और जीवन जो मैंने उनमें डाला था, मानव संसार में मेरी समस्त महिमा और हृदय का समस्त रक्त जो मैंने मानव जाति पर व्यय किया था, उन सब को भी क्रूरता पूर्वक छीन लेता है। मानव जाति अब और प्रकाश में नहीं है और उसने वो सब कुछ खो दिया है
जो मैंने उसे प्रदान किया था, उस महिमा को भी फेंक दिया जो मैंने उसे प्रदान की थी, वे कैसे अभी स्वीकृत कर सकते हैं कि मैं सभी सृजन किए गए प्राणियों का प्रभु हूं? वे स्वर्ग में मेरे अस्तित्व में कैसे विश्वास करते रह सकते हैं? वे कैसे पृथ्वी पर मेरी महिमा की अभिव्यक्तियों की खोज कर सकते हैं? ये पोते और पोतियां उस परमेश्वर पर कैसे कब्जा कर सकते हैं जिसका उनके पूर्वज ऐसे प्रभु के रूप में आदर करते थे, जिसने उनका सृजन किया था? इन दयनीय पोते और पोतियों ने उस महिमा, छवि और साथ ही गवाही जो मैंने आदम और हव्वा को प्रदान की थी, और साथ ही उस जीवन को जो मैंने मानव जाति को प्रदान किया था, और अस्तित्व में रहने के लिए जिस पर वे निर्भर हैं, को उदारता से दुष्ट को प्रस्तुत कर दिया और दुष्ट की उपस्थिति का जरा सा भी विचार न करते हुए मेरी सारी महिमा उसे दे दी। क्या ये मल की उपाधि का स्रोत नहीं है? ऐसी मानव जाति, ऐसे दुष्ट राक्षस, ऐसी चलती फिरती लाशें, ऐसी शैतान की आकृतियां, मेरे ऐसे शत्रु मेरी महिमा से कैसे संपन्न हो सकते हैं? मैं मनुष्यों से अपनी महिमा को वापस ले लूंगा, अपनी गवाही को जो मनुष्यों के बीच अस्तित्व में है, और उस सब को जो कभी मेरा था और जिसे मैंने बहुत पहले मानव जाति को दे दिया था, वापस ले लूंगा। मैं मानव जाति को पूरी तरह से जीत लूंगा। हालांकि तुम्हें पता होना चाहिए कि जिन मनुष्यों का मैंने सृजन किया था, वे पवित्र मनुष्य थे, जो मेरी छवि और मेरी महिमा को धारण करते थे। वे शैतान से संबंधित नहीं थे, ना ही वे इससे कुचले जाने के अधीन थे, बल्कि शैतान के जरा से भी जहर से मुक्त शुद्ध रूप से मेरी ही अभिव्यक्ति थे। और इसलिए मैं मानव जाति को जानने देता हूं कि मैं सिर्फ उसे चाहता हूं कि जो मेरे हाथों द्वारा सृजित है, जो पवित्र व्यक्ति है, जिन्हें मैं प्रेम करता हूं, और जो किसी अन्य सत्य से संबंधित नहीं है, इससे अतिरिक्त मैं उनमें आनंद लूंगा और उन्हें अपनी महिमा के रूप में मानूंगा। हालांकि जो मैं चाहता हूं, ये वो मानव जाति नहीं है जिसे शैतान ने भ्रष्ट कर दिया है, जो आज शैतान से संबंधित है और जो अब मेरा मूल सृजन नहीं है, क्योंकि मैं अपनी उस महिमा को वापस लेना चाहता हूं जो मानव संसार में विद्यमान है। इसलिए मैं शैतान को पराजित करने में अपनी महिमा के प्रमाण के रूप में मानव जाति के शेष उत्तर जीवियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करूंगा। मैं सिर्फ अपनी गवाही को अपने आनंद की वस्तु के रूप में, अपना स्वयं का निश्चित रूप धारण करने के रूप में लेता हूं। ये मेरी इच्छा है।